तो ये भी कहना है कि सिर्फ ऐलान होना बाना ख्वास्ता, मुल्क दिवालिया हो चुका है। बस हवा निकल गई। लेकिन अगर चांस इस तरह का बना तो हमें खरीदेगा इंडिया। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप अगले 3 माह में ये हमारा पाकिस्तान भी पूरा सेल हो जाएगा। आपके मालिक आपको लेने आ रहे हैं, आने वाले दिन ये हैं। आप घर सुबह उठेंगे वो कहेंगे भाई चल चले, आप कहेंगे कहाँ भाई, तेरा सौदा होगा, तेरी गवर्नमेंट ने कर दिया। दिवालिया होने वाला पाकिस्तान का हो चुका है भाई, सिर्फ अनाउंस होने वाला, दिवालिया हो चुका है। पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व $6.7 बिलियन से भी कम के रह चुके हैं। मौशी माहिरीन का कहना है कि अगर इस मौजूदा सूरत हाल में 7 दिन के अंदर अंदर अगर कोई दोस्त मुल्क पाकिस्तान की मदद के लिए नहीं आता, पाकिस्तान को 4 से 6 अरब डॉलर का कर्जा या मदद नहीं देता, तो पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा सकता है। कोई तरीका है भीख मांगने का? इस मौजूदा सूरत हाल से निमटने के लिए पाकिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान के असासों को बेचना शुरू कर दिया है। US में जो पाकिस्तान की अम्बेसी की तारीखी इमारत थी उसको सेल के लिए लगा दिया गया है। पाकिस्तान की जो अम्बेसी यूनाइटेड स्टेट में थी उसको सेल के लिए लगा दिया गया है। इंडियन मीडिया भी बड़ा मजाक उड़ा रहा है पाकिस्तान का। ये हमारे अपने करतूत हैं जब सामने आ रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उन लोग दिवालिया के करीब है, वहाँ जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको तनख्वाह देने के पैसे नहीं है इनके पास, उनके गिरवी रखा दिए इन लोगों ने। ठीक है, तो अब ये इसका पता नहीं इस मुल्क का क्या बनेगा, यकीन का मुझे समझ नहीं आ रही बिल्कुल क्या होगा इस मुल्क का। हाय यार, पता नहीं ये लोग क्या करेंगे हमारे साथ। ये पिछले 75 साल से इन्होंने दीमक की तरह मुल्क को चाड़ लिया है, खा गए हैं अंदर से ही, खोखला कर दिया। अब इनके पास सैलरियाँ देने के पैसे नहीं है, वो होटल सफारखाना सेल करके सैलियाँ देंगे अगले माह, फिर नहीं पैसे होंगे। यार पता नहीं ये लोग कब पाकिस्तान की जान छोड़ेंगे, ये तो अजाब बन के नाजिल हुए हैं हम पे। यार पाकिस्तान भी तो नहीं सेल होने वाला? नहीं, अभी ऐसा तो कोई चांस नज़र नहीं आ रहा पाकिस्तान सेल होने का, लेकिन अगर चांस इस तरह का बना तो हमें खरीदेगा इंडिया। 150 रुपया देगा, क्योंकि अमेरिका के बस की बात नहीं है पाकिस्तान को खरीदना। इंडिया खरीदेगा ठीक है, हम भी इंडिया का हिस्सा बन जाएंगे, पहले भी अल हिंद में ही थे तो दोबारा वापस चले जाएंगे। मैं तो बहुत ज्यादा खुशी होगी, हूँ यहाँ भी हम लाहौर से तो साथ ही मिल जाएगा। और पाकिस्तान के जो कौमी असासे हैं उनको बेचा जा रहा है। अभी US में जो पाकिस्तान की अम्बेसी की तारीखी बिल्डिंग है उसको सेल किया जा रहा है, उसके ऊपर से पाकिस्तान का जो झंडा है वो भी उतार लिया गया है। क्या कहेंगे, ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क में, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। असल में अगर देखा जाए पाकिस्तान खसारे की तरफ जा रहा है। अगर तो हम ये कि एम्बेसी बेच के और होटल रोजवेल्ट भी बेचा जा रहा है, अगर ये बेच के पाकिस्तान को खसारे से निकाल लिया जाएगा तो ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि बाकायदा तौर पे आपको पहले भी ये चीज़ें नोट करने के लिए मिल गई होंगी चैनल्स पे। खैर मैं तो खुद PTI से बिलोंग करता हूँ। अमेरिका हमारे अबू जी, अमेरिका हमारे अबू जी, हाँ जी बिल्कुल। हमारे अपने कोई कानून नहीं चलते? नहीं सर, जो ऊपर से कहीं ऑर्डर आएगा वही चलेगा। हाँ जी, तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, हमारे हुक्मरान क्या हैं, सब आम का क्या बने, उनके सब उनके क्या कहते हैं, उनके आ गए, उनके भी झुके हैं, उनके आ गए, ये उनके जब उनके एयरपोर्ट जा पेंट उतरवाते हैं, इनकी ये इज्जत है वहाँ पे। वज़ीर आज़म साहब सिर्फ 8 माह पहले मुल्क की मईशत अपने पाँव पे खड़ी थी, मगर इक्तदार की लालच में PDM में शामिल सियासी जमातों का टोला साजिश रचा कर बैरूनी मुदाखलत का सहारा लेकर घुस बैठा। वज़ीर आज़म साहब, ये वो वक्त था जब कोरोना वबा के बाद दुनिया भर में महंगाई की लहर अपने उरूज पर थी, आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही थी, मगर उस वक्त के वज़ीर आज़म और उनकी टीम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को ब्रेक लगा दी थी, पेट्रोल को 4 महीने के लिए 150 रुपए पे फिक्स कर दिया था। और वज़ीर आज़म साहब सिर्फ 8 माह पहले दरामदात और बरामदात में तवाज़ुन कायम था, घरेलू कमर्शियल इंडस्ट्रियल सारफीन को गैस और बिजली मिल रही थी, सनदों का पहिया चल रहा था। वज़ीर आज़म साहब सिर्फ 8 माह पहले, 8 माह पहले भी तो एक हुकूमत थी ना जो मुल्की मईशत को तरक्की की राह पर गामजन किए हुए थी, मगर आप उस वक्त भी महंगाई और मईशत की बदहाली का रोना रोते थे और दावे करते थे बड़े बड़े कि एक बार अगर आपको हुकूमत मिल जाए तो 6 महीनों में मईशत को ठीक कर देंगे, मगर 8 माह गुजर गए, आपने वजीरे खजाना भी बदल लिया, काबीना रकीन की सेंचुरी भी मार दी और अपने अपने खानदान और इत्तेहादियों के करप्शन केसेस में रिलीफ भी ले लिया। जाती मफादात के लिए हुकूमत में आना था ना तो कम अज कम अवाम को झूठे आसरे ना देते तो शायद आज ये मुल्क पहले से तरक्की कर रहा होता और जो माशी इशारी हैं पहले से ज्यादा दुरुस्त होते, मगर आज मुल्क दिवालिया होने को है। तो दोस्तों ये वीडियो देखने में आपको जरूर मजा आया होगा और बहुत ज्यादा मजा अगर आपने यहाँ तक के देखा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे मजेदार वीडियो आगे भी आते रहेंगे हमारे चैनल पर, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।